तो प्लेन मिरर्स के अंदर पॉइंट नंबर वन, जब आप प्लेन मिरर्स की बात करते हो तो पहला टॉपिक जो आता है इसमें, जो पहली टर्म है वो, उस टर्म का नाम है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? मान लो आपके पास एक मिरर है ना, छोटा मिरर है। उस मिरर में आप इमेज देखते हो, आपको अपनी शक्ल भी दिखती है, पूरी नहीं दिखती क्योंकि वो टांग रखा मिरर है, तो आपको अपना फेस नज़र आ रहा है, आपको आगे पीछे की ट्यूब भी नज़र आ रही है, पर वहाँ के लोग नज़र नहीं आ रहे। तो जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं हम बोलते हैं कि वो उसका फील्ड ऑफ व्यू है। आप अगर एंगल चेंज कर लेंगे मिरर को देखने का तो आपको अलग आइटम नज़र आएंगी, वो उसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। ये फील्ड ऑफ व्यू है, बस पता होना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू कोई खास नहीं है। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं मिरर में जो आपको पता होने चाहिए। ये प्रूफ जो मैं करने जा रहा हूँ, प्रूफ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन आएगा। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि मिरर्स, प्लेन मिरर के क्वेश्चन कैसे करने हैं। पहला रिजल्ट है कि अगर आपके पास कोई मिरर है, ये मान लो आपके पास एक मिरर है और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर गया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ऑब्जेक्ट रोटेट कर गया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो इमेज भी रोटेट करेगी बाय एन एंगल ऑफ थीटा। पहला रिजल्ट क्लियर है, ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा थीटा तो इमेज भी रोटेट करेगी बाय थीटा। बस ये रिजल्ट याद रखना है, पहला रिजल्ट क्लियर। दूसरा रिजल्ट, अगर आपके पास कोई मिरर है, कैसे, जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज एक मिरर, एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ये रहा एक प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये रहा आपका एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज यहां पर पड़ा हुआ है तो इसकी इमेज भी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बनेगी। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, प्लेन मिरर है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। तो ये बताओ कि इस प्लेन मिरर का नॉर्मल कहां पर है? नॉर्मल भी यही है, इस प्लेन मिरर का नॉर्मल भी यही है, एग्जैक्टली सेम है। आपने क्या किया, आपने इस मिरर को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो आपने इसको रोटेट किया बाय एंगल ऑफ थीटा, तो ये आपकी मिरर की नई पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी मिरर की नई पोजीशन है, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये नई पोजीशन है, इसका जो नॉर्मल होगा, है ना, इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल चेक करो, क्योंकि इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मिरर रोटेट करता है बाय एन एंगल ऑफ थीटा तो नॉर्मल जो पहले कहां पर था, यहां पर था, पुराने मिरर के लिए नॉर्मल ये था, नए मिरर के लिए नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल भी घूम गया बाय एन एंगल ऑफ क्या, थीटा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, थीटा एंगल घूम गया। तो अगर ये थीटा तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूं मैं, रे आ रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां से जब टकराएगी तो यहां पे कहीं चली जाएगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ अगेन व्हाट, थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में आपको ये बताना है कि जो आपकी इमेज है, राइट, जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी, कितने एंगल पर रोटेट करेगी, राइट। तो सपोज ये एंगल मैंने लिया कितना, थीटा, तो अगर मैं इसे पीछे यहां पे ले जाऊं, इस लाइन को यहां ले जाऊं और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि एक रे ये री, एक रे ये री, तो ये इमेज बनेगी। सच दैट अगर ये एंगल टू थीटा, टोटल एंगल कितना है, टू थीटा, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये एंगल भी कितना हो जाएगा, टू थीटा, टू थीटा। तो एक रिजल्ट आपने याद रखना है, आपने ज्योमेट्री याद नहीं रखनी, आपसे बनवा के कोई देखेगा नहीं। क्या रिजल्ट है कि अगर आपका मिरर जो सीधा था, राइट, और ऑब्जेक्ट यहां रेस्ट पे पड़ा हुआ है, अगर आपका मिरर रोटेट कर गया बाय एन एंगल ऑफ थीटा तो उसकी इमेज रोटेट कर जाएगी बाय एंगल ऑफ टू थीटा। तो रिजल्ट क्लियर है, बस इतना ही करना है और आपने इसमें कुछ नहीं करना। तो पहला रिजल्ट क्या था, पहला रिजल्ट था अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर गया थीटा तो इमेज रोटेट कर गया थीटा, दूसरा है अगर मिरर रोटेट कर गया थीटा तो इमेज रोटेट कर गई बाय टू थीटा, दूसरा रिजल्ट भी क्लियर है। तीसरा रिजल्ट, अगर आपके पास कोई मिरर है, दो मिरर्स हैं और एंगल थीटा पे दो मिरर्स हैं, आपने देखा होगा ड्रेसिंग रूम्स के अंदर दो मिरर्स किसी एंगल पर हैं और अगर आप सामने खड़े तो उसमें मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, तो ऐसे ही ये मल्टीपल इमेजेस बना रहे हैं, अगर आप उन मल्टीपल इमेजेस को ज्वाइन करें
तो उसका जो लोकस बनेगा वो याद रखना, वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो जितने भी मल्टीपल इमेजेस हैं वो सर्कल पे बनती हैं। ये तीसरा रिजल्ट है इसका। और ये बड़ा, ये कुछ ऐसा रिजल्ट है कि मान लो एक मिरर है और ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड है। तो अगर कोई मिरर को इस ऑब्जेक्ट के सामने से ले जाए ऐसे, तो इसकी इमेज को कुछ ना होता, इसकी इमेज भी रेस्ट पे रहेगी। मतलब कैसे, मैं मान लो ऑब्जेक्ट हूँ, सामने दीवार एक मिरर है, आपने इस मिरर को उठा के सामने लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा मिरर है, सामने लेके जाई जा रहे हैं, तो मेरी इमेज थोड़ा ले जाएगा मिरर, मेरी इमेज वहीं की वहीं खड़ी मिलेगी जहां पर मैं हूं। तो अगर आपका मिरर मेरे सामने से परपेंडिकुलर पास कर गया, ऐसे पास कर गया, तो इमेज विल रिमेन एट रेस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर है। अगर लेकिन ऐसा हो जाए कि मैं यहां खड़ा हूं और मैंने रिजल्ट करवाया कि मिरर सामने से निकल जाए, तो इमेज वहीं रहेगी। अगर मान लो ये मिरर मेरे पास आए, अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मिरर मेरे पास आए, तो इमेज का क्या होगा, इमेज की स्पीड क्या होगी या इमेज कितनी दूरी पे चली जाएगी, ये आपको बताना है। मतलब कहने का मतलब रिजल्ट कुछ ऐसा है कि सपोज करो ये मान लो आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये यहां पर था, और मान लेते हैं कि इसके यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, राइट। ये पहली सिचुएशन है, सच दैट अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है, ठीक है। यहां तक आपने क्या किया, आपने इस मिरर को शिफ्ट करवा दिया, ये मिरर लेफ्ट की तरफ मूव कर गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई। तो मान लो ये डिस्टेंस कितना है, वाई, ये भी क्लियर है यहां तक। तो अगर ये वाई है तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई। ये स्टेप क्लियर है। तो नए मिरर की पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, एक्स माइनस वाई। तो ये इमेज भी एग्जैक्टली कहां पर बनाएगा, कितनी दूरी पे, एक्स माइनस वाई। तो ये कहां पर बनाएगा, एक्स माइनस वाई, ये इमेज बन गई। मुझे निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, पुरानी और नई इमेज में दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस 2x है, तो जो टोटल डिस्टेंस है मैं लिख देता हूं 2x है, और यहां से यहां का डिस्टेंस 2 इंटू एक्स माइनस वाई है, तो फिर ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, बचा हुआ डिस्टेंस होगा 2x में से 2 इंटू एक्स माइनस वाई को क्या कर देना है, माइनस, ओपन करें, 2x माइनस 2x प्लस 2y, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2y, ठीक है यहां तक। तो आपने ज्योमेट्री नहीं करनी, रिजल्ट याद करना है। क्या रिजल्ट याद करना है, आज के बाद अगर एक मिरर है और मिरर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया बाय डिस्टेंस ऑफ y, उसकी इमेज भी उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगी बाय डिस्टेंस ऑफ 2y, क्लियर है यहां तक। अगर कोई मिरर मेरी तरफ आ रहा है बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो मेरी जो इमेज है वो उस मिरर में मेरी तरफ ही आएगी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये रिजल्ट है इसमें। पर अगर मिरर सामने से निकल जाए तो इमेज विल रिमेन एट रेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर परपेंडिकुलरली मेरे पास आए तो डबल डिस्टेंस से पास आएगी इमेज। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अगर मिरर मेरी तरफ आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज भी इस तरफ चली जाएगी विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस डबल है तो स्पीड भी डबल है, तो क्या रिजल्ट याद रहेगा, ठीक। ये नेक्स्ट रिजल्ट है आपके मिरर्स का। ऑनलाइन क्लियर है सर? ये केस तो लेकिन प्लेन मिरर्स के ना, बस सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, आज का लेक्चर सिर्फ प्लेन मिरर पे ही है, ठीक है, औरों में नहीं है ये। नेक्स्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी वी वेलोसिटी से इमेज की तरफ आएगी, ये तो पता ही है। अगर मैं मिरर की तरफ जा रहा हूँ तो इमेज मेरी तरफ आएगी विद सेम वेलोसिटी, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक। ये हमने कर लिया, ये रिपीट है, कुछ नहीं करना, बाकी कुछ नहीं करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। इसके बेस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगे।